सब लोग संजो कर बैठे हैं, दबा कर बैठे हैं, और वो टीस जब समाप्त होने का समय आता है तो आनंद की अभिव्यक्ति को औचित्य भंग के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। देश का बच्चा बच्चा ये बोलता है, कहीं पर भी जाए, बंगाल में जाए, तमिलनाडु में जाए, गुजरात में जाए, महाराष्ट्र में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं इतना पूछना चाहता हूं, कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग है? कभी क्यों नहीं बोलते तमिलनाडु भारत का अभिन्न अंग है? वो इसलिए बोलना पड़ता है सभापति महोदय कि 370 ने इस देश और दुनिया के मन में शंका आरोपित की थी कि कश्मीर भारत का अंग है या नहीं है। संविधान के अंदर इसकी बड़ी क्लैरिटी है, मगर जनमानस के अंदर, दुनिया के अंदर एक संशय था। और मैं आज बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उनके साहस के कारण आज ये कलंक हम तैयार। धारा 370 सभापति महोदय भाषण हुए, धारा 370 भारत को कश्मीर से जोड़ती है, धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है, धारा 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकती है। और आज वो रुकावट, ये सदन का अगर आदेश प्राप्त होता है तो आज ये रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाए। सभापति महोदय, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, ओवैसी साहब और एक दो लोगों के अलावे किसी ने विरोध धारा 370 हटाने का नहीं किया है। स्पष्टता से धारा 370 वो भी चाहते हैं न हटे, मगर साहस नहीं है कहने का, साहस नहीं है। और वो भी चाहते हैं धारा 370 हटे, मगर वोट बैंक बीच में आती है कि हमारी वोट बैंक क्या सोचेगी। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि धारा 370 आज इस सदन के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी, और ये क्षण देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। और मैं आज फिर से एक बार मेरे नेता और देश के प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को सत सत नमन करना चाहता हूं। जिस दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने साहस का परिचय दिया और धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सभापति महोदय, मेरी बात धारा 370 की बाद में करूंगा, पहले काफी सारे सदस्यों ने हिस्सा लेते हुए कुछ चीजों की के बारे में जानना चाहा है, कुछ मुद्दे भी उपस्थित किए, इसका मैं सबसे पहले जवाब दूंगा। काफी सारे विपक्ष के सभ्यों ने कहा है, सम्मानीय सदस्यों ने कहा है कि ये यूटी हमेशा के लिए है या क्या, यूटी क्यों बनाई, यूटी कब तक रहेगी। मनीष तिवारी जी ने कहा, बहन सुप्रिया सुले ने कहा, अधीर रंजन विवीत जी ने भी कहा। मैं मगर स्पष्ट करना चाहता हूं इस सदस्य के माध्यम से पूरे देश के सामने और विशेषकर घाटी के लोगों के सामने, जम्मू के लोगों के सामने, कि जहां तक यूटी का सवाल है, परिस्थिति सामान्य होते ही उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने में इस सरकार को कोई आपत्ति नहीं। और मैं आगे भी कहना चाहता हूं, माननीय, एक मुद्दा किया उठाया गया कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते। आज भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले था। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं, अधीर रंजन चौधरी जी ने एक और सवाल उठाया कि 370 गई तो अब क्या 300 नहीं, अधीर रंजन चौधरी जी ने एक और सवाल उठाया कि यूएन में है, आप कैसे कर सकते हो। मैंने उनसे स्पष्टता मांगी,
रखिए, मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर 1948 से हुआ यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग है या नहीं। एक रुके रुके रुके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कैसे ला सकते बोलने दीजिए प्लीज। आप तो गृह मंत्री, आपके सारे जानकारी है। मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर को अभी तो बाइफर्केट कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो ये स्थिति क्या होगा, इसके ऊपर आपका क्या विचार होगा। और ये भी मैंने कहा आई वॉन्ट टू बी एनलाइटेंड बाई यू। ये और मैं और दूसरे आपको उठाया कि पीओके की स्टेटस क्या होगा, ये दो बात उठाया था मैंने, क्योंकि पीओके के बारे में आपकी जो विधायक है इसमें कोई इसका जिक्र नहीं है। इसीलिए सभापति महोदय, जो बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें पीओके और अक्षय चिन्ह दोनों का उल्लेख है और एक एक इंच जमीन का उल्लेख है। जहां तक यूएन का सवाल है, सभापति महोदय, मैं थोड़ी इसके इतिहास में जाना चाहता हूं। 1 जनवरी 1948 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 35 में रेफरेंस किया गया। 20 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने यूएन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान यूएनसीआईपी को सेटअप किया और 13 अगस्त 1948 को यूएनसीपी के प्रस्ताव को भारत और पाकिस्तान दोनों ने स्वीकार कर लिया। मगर जब प्रस्ताव स्वीकार हुआ, उसमें प्रस्ताव का पहला और दूसरी दो चीजें थी, दो धाराएं थी और तीसरी धारा भी थी। दूसरी धारा, पहली धारा में क्या था कि कभी भी किसी भी देश की सेना किसी भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगी। और जिस दिन 1965 के अंदर पाकिस्तान की सीमाओं ने सेनाओं ने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करा, उसी दिन ये प्रस्ताव खारिज हो गया था, क्योंकि एक और दो नहीं होता है तो तीन का सवाल ही नहीं आता है। इसलिए इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता है, ना कोई बाधक है। ये गृह अपना सदन संपूर्ण अख्तियार रखता है जम्मू और कश्मीर के राज्य के डिवीजन। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, दूसरा हुआ कि जब शिमला समझौता हुआ, इसको भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने इसको रिकॉर्ड पर लाया, श्रीमती इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, और शिमला समझौते ने इस बात को दोहराया है। इसलिए यूएन का जहां तक मामला है, भारत की सीमाओं के अंदर कोई भी निर्णय लेने के लिए भारत के संसद के दोनों सदनों को पूरा संवैधानिक अख्तियार है, वो स्पष्ट हो गया। सभापति महोदय, मनीष जी ने बड़ा एक इतिहास का लंबा आरोपण यहां पर किया पृष्ठभूमि समझाने के लिए, वो इससे कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, मगर एक सीमा पर आकर वो रुक गए इतिहास में। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपने इतिहास तो कहा कि भारत ने अपनी सेनाएं भेजी, सेनाओं ने खदेड़ा घुसपैठियों को, और घुसपैठियों के स्वांग में जो पाकिस्तान की सेना के जवान थे, अधिकारी थे उनको, मगर मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। जब हमारी सेना विजयी हो रही थी तब, और ये सारा यश दिया उन्होंने कि जवाहरलाल जी के नेतृत्व में सब हुआ, जवाहरलाल जी के कारण हुआ, और दैट इज वाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा है। मगर सभापति महोदय, मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सेना विजयी हो रही थी, सेना काफी पाकिस्तानी कबलाइयों के क्षेत्र में अधिकार में आई हुए हमारा हिस्सा जीत कर आई थी, तो अचानक एक तरफा शस्त्र विराम किसने कर दिया, किसने किया? मैं मनीष जी बताना चाहता हूं, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, और इसी के कारण आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, इसी के कारण पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। अगर सेनाओं को छूट देते,
हमारा पूरा हिस्सा जीतने की, तो आज पाक ऑक्युपाई कश्मीर पूरा का पूरा भारत का अधिकृत होता है। उन्होंने कहा कि ये किया वो किया, मैं पूछना चाहता हूं भाई, बाद में नहीं ठीक है 47 में गिलगित और बाल्टिस्तान मेजर ब्राउन उसको दे दिए। मैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की ही बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि इन्होंने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का रेफरेंस दिया था। बाद में यूएन का रेफरेंस किया अधीर रंजन जी ने, यूएन में ले कौन गया, कौन ले गया, ढेर सारे दस्तावेज जो है साहब देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को विश्वास में लिए बगैर आकाशवाणी के रूम में जाकर वायु प्रवचन कर दिया कि भारत इस मसले को 35 सेक्शन के अंदर ले, सेक्शन भी ठीक पसंद करते, शशि थरूर जी को मालूम है ना, ना मत बोलिए, आप बोल रही है भैया, आप बोल रही है, आप बैठिए मैं जवाब देता हूं इन भाई, आप बैठे दो बैठिए ना, अब मैं बताता हूं। इंटरनेशनल सिचुएशन की तो आज दुहाई आपने भी दिए, मत करिए, इंटरनेशनल सिचुएशन क्या होगी, मगर देश हित का जब मामला होता है हमने निर्णय हमारे देश की स्थिति समझने के लिए था। माननीय अध्यक्ष जी, यूएन में कौन ले गए, यूएन के अंदर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ही ले गए, ये भी इतिहास का मामला। इन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए उनके बारे में ठीक नहीं सोचा जा रहा है, अब इतिहास में तो जो घटनाएं होगी इसी के आधार पर ही सोचा जाएगा, ये घटना के बारे में भी इतिहास कभी न कभी तय करेगा कि सच्ची है ये, ठीक है देश के लिए या नहीं है, मगर मुझे भरोसा है जब भी ये घटना का जिक्र होगा नरेंद्र मोदी जी को देश सालों सालों तक याद रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि 371 का क्या करो, और बड़े वकील है साहब, मैं तो लॉ पढ़ा नहीं हूं, 371 और 370 के बीच का अंतर में आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थाई उपबंध, अस्थाई शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है मान्यवर, ये पहले से कहा गया है कि अस्थाई उपबंध है, और 370 हटाने की जरूरत इसलिए है कि वो देश की संसद का अख्तियार वहां पर कम करता है, देश में आगे बताऊंगा ढेर सारे कानून जो जनता के बारे में अच्छाई के लिए हम बनाते हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता तक पहुंचते नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में अलगाववाद की भावना को पाकिस्तान पेट्रोल डालकर भड़का रहा है ये 370 के कारण, मैं आगे आऊंगा इस विषय पर। और 371 में पढ़ना चाहता हूं मान्यवर, 371 है, 371 है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन, और ये टेम्पररी प्रोविजन है, दोनों के बीच का अंतर आप समझ लीजिए मान्यवर, और दोनों के बीच में और अंतर क्या है मैं समझाता हूं। मैंने कहा 370 से क्या हो रहा है, 370 से इस देश के कानून की रीच वहां नहीं पहुंचती, वहां के लोगों में अलगाववाद होता है, वहां की असेंबली के मंजूरी के अलावे कोई कानून देश की संसद का वहां नहीं पहुंचता है। और 371 क्या है, 371 मूल जो है महाराष्ट्र और गुजरात विदर्भ मराठवाड़ सौराष्ट्र कच्छ के लिए विकास के बोर्डों की रचना करना, इसमें क्या आपत्ति है, क्यों भला हम उसको निकाल देंगे। 371 ए नागालैंड के नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथा भूमि और संसाधनों के आधार आदि के स्वामित्व के लिए वो असेंबली निर्णय कर दे। 371 बी असम राष्ट्रपति उत्तरी कछार कार्बी आगलोंग और बोडोलैंड टेरिटोरियल जिलों जैसी जनजातीय क्षेत्रों के विधानसभाओं को विधानसभा की अन्य समिति के गठन में बाहुल्य देंगे, हम ये क्यों निकालेंगे, ये कहीं पर भी देश की एकता और अखंडता के लिए बाधक नहीं है। 370 का और 371 की कंपेरिजन कर
आप देश की जनता को गुमराह करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। देश की जनता सब समझती है 370 और 71 के बीच में अंतर क्या है। माननीय, इसी तरह से मणिपुर, आंध्र प्रदेश का विश्वविद्यालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक, ये सारे राज्यों की कुछ कुछ बेसिक समस्याओं को सुलझाने के लिए 371 से 371 जे तक अलग अलग अनुच्छेद लाए गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मान्यवर कि 370 और 371 का कंपैरिजन हो नहीं सकता। और मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, क्योंकि रिकॉर्ड पर कहा गया है कि 371 भी ये सरकार हटा लेगी तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का क्या होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की कोई मंशा 371 को हटाने की नहीं है। वो आश्वस्त रहे, किसी से गुमराह होने की जरूरत नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक कहा कि 300 जो रास्ता हमने लिया है वो ठीक नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसी रास्ते पर आपने दो बार 370 के अंदर संशोधन जवाहरलाल जी के समय में और बाद में इंदिरा जी के समय में किया। उस वक्त वो रास्ता ठीक था और हम जब समस्या को निर्मूल करने के लिए जा रहे हैं तब रास्ता ठीक नहीं लगता है। रास्ता तो ठीक है, रास्ता आपकी वोट बैंक के आड़े आता है इसलिए आपको ठीक नहीं लगता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहन सुप्रिया सुले ने काफी सारे सवाल उठाए कि अभी फोन नहीं लग रहे हैं, इतनी सारे सुरक्षा बलों को वहां भेज दिया गया है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। मैं उनको याद कराना चाहता हूं 89 से 95 तक ऐसा ये तो कुछ नहीं है। मसूदी साहब यहां पर उपस्थित है, क्या हुआ था घाटी के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं। आतंकवाद इतना बड़ा कि सालों तक कर्फ्यू रखना पड़ा था, फोन छोड़िए खाना पीना ब्रेड बटर नहीं मिलता था। और ये तो हम इसलिए रखे हैं कि कोई अगर गुमराह कर वहां की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को ठीक बिगाड़ना चाहता है तो उसको मौका न मिले। बाकी कोई कारण नहीं, कोई वहां ऐसी परिस्थिति नहीं है। और प्रिकॉशंस लेने से आप सरकार को कैसे रोक ले सकते हो? भाषण के टोन तो ऐसे थे कि आपके दबाव में आपका आकर हम सुरक्षा बलों को हटा ले और वहां पर कुछ घटनाएं हो। कुछ नहीं होगा, ना हम आपके दबाव में आएंगे, ना सुरक्षा बल हटेंगे, ना वहां पर कुछ होगा। इन्होंने कहा कि भाई इनसे चर्चा नहीं होती है। सुप्रिया बहन ने कहा अध्यक्ष जी की चर्चा नहीं होती। 70 साल तक चर्चा करते करते थक गए, 3 पीढ़ियां आ गई मगर चर्चा का अंत नहीं आया, तब जाकर यह करना पड़ा है। कितनी चर्चा करे, किससे चर्चा करे? जो पाकिस्तान से प्रेरणा लेते हैं उनसे चर्चा करें, क्या चर्चा करें? हम हुर्रियत के साथ चर्चा करना नहीं चाहते। अब अगर घाटी के लोगों के मन में अगर कोई शंका है, घाटी के लोग हमारे हैं, हम सीने से लगाएंगे, उनको प्यार से रखेंगे, पूरा हिंदुस्तान उनको प्यार से रखेगा। अगर उनके मन में कोई आशंका है तो जरूर चर्चा करेंगे महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चर्चा से कोई इनकार नहीं, मगर कुछ फैसले करने पड़ते हैं। जब बहुत सारे ऐसे लोग अंदर आते हैं जो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट लेकर चर्चा के अंदर कूद पड़े होते हैं, तब चर्चा करने का माहौल भी बदलना पड़ता है, वक्त भी बदलना पड़ता है और तरीका भी बदलना पड़ता है। और घाटी के लोगों के लिए जहां तक चर्चा करने का सवाल है, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, घाटी की जनता से हम जितनी जरूर पड़ेगी इतनी चर्चा इनके हर शक और सुबह को दूर करने के लिए करेंगे और हमारे कामों से भी, हमारे निर्णयों से भी उनको आश्वस्त करा देंगे कि जम्मू कश्मीर बाकी सारे राज्यों से हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि जम्मू कश्मीर ने दर्द को सहा है। नवासी से लेकर 2019 तक 41,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, इसलिए हमें कोई
उनको विशेष कुछ सरकार ने देना भी पड़ा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्यार से बात कर उनके विकास के लिए जो करना है वो 100 कहेंगे तो हम 110 तक जाने के लिए तैयार है। मोदी जी का दिल बड़ा है। मोदी जी ने पहली सरकार में भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था जिसमें 80,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। मैं बताऊंगा आगे कि क्या क्या हुआ है। आपने कहा कि आप एक और नागा एकॉर्ड करने जा रहे हो और दूसरी और 370 हटा रहे हो। मैं स्पष्टता कर दूं, नागा एकॉर्ड और 370 के बीच में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। कोई ऐसा ब्लंडर जो पास्ट में हुआ था वो हम नहीं करेंगे। इसमें हमें कोई रिलेशन नहीं है। आप इसमें मन में आश्वस्त रहिए। दूसरा, आपका एक स्टेटमेंट है बेकारी के कारण आतंकवाद बढ़ा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। बेकारी इकोनॉमी ये हर राज्य की समस्या है। वहां आतंकवाद क्यों नहीं बढ़ा? सिर्फ जम्मू और कश्मीर में क्यों हुआ? क्योंकि वहां 370 का उपयोग कर पाकिस्तान ने एक अलगाववाद की भावना को खड़ा किया। अलगाववाद की भावना को पाकिस्तान को पेट्रोल डालने का मौका मिला और हमारे युवाओं ने गुमराह होकर हथियार उठा लिए। मान्यवर, इसका कोई लेन देन नहीं है। और अगर इकोनॉमी का भी लेन देन है तो मैं बाद में बताता हूं 370 इकोनॉमी के लिए भी कैसे बाधक है, वो मैं बाद में बताता हूं। उन्होंने कहा कि भाई राइट टू एजुकेशन, मैं बाद में इस पर आऊंगा। बालू साहब ने एक आंध्र असेंबली का कि हमने इनसे चर्चा करी थी। मनीष तिवारी जी बार बार बोले। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से आंध्र और तेलंगाना दोनों राज्यों की जनता को और देश को, चर्चा क्या करी? एक प्रस्ताव भेजा जो 2/3 बहुमत से आंध्र की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। आंध्र की असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया। असेंबली और ऊपरी सदन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, फिर भी आपने आंध्र का विभाजन करा। चर्चा क्या करी भाई? क्या चर्चा करी? नहीं नहीं, आप बैठे ना, मैं बताता हूं। सवाल मेरी पार्टी की सहमति की या असहमति का नहीं है। एक मिनट भाई, एक मिनट, मुझे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? मैं वो विभाजन पर जाता ही नहीं, उचित था या नहीं था। मनीष जी ने प्रक्रिया का सवाल उठाया। आप पहले तत्वों को पकड़िए। उन्होंने प्रक्रिया का सवाल उठाया कि स्थानीय लोगों से चर्चा की। अब स्थानीय असेंबली और स्थानीय अपर हाउस की तो मंशा थी कि डिवीजन न हो, फिर आपने क्यों करा? और आपने करा तो हमें क्यों टोक रहे हो भैया? आप बताओ जरा। और कैसे करा था? हम तो बैठकर आमने सामने ठंडे दिमाग से आपसे चर्चा कर रहे थे। सदन के दरवाजे बंद कर दिए गए, टिंगा टोली कर उठाकर मार्शलों ने सांसदों को बाहर फेंक दिया। काला दिन आज नहीं है, काला दिन वो था जिस दिन संसद की पैनल तक आपने बंद। मैं अभी भी कहता हूं, मैं आंध्र के डिवीजन या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं इस मुद्दे पर नहीं हूं, मैं प्रक्रिया के मुद्दे पर हूं। मैं प्रक्रिया का वर्णन कर रहा हूं। मनीष जी ने सवाल उठाया था इसलिए मैं इसको कहता हूं। उन्होंने कहा रातों रात आपने एक राज्य को 2 यूटी में बांट दिया। आज से अभी 2 यूटी है। 1975 में पूरे देश को इमरजेंसी डालकर आपने यूटी बना दिया था। हमें मत समझाइए, 1975 में पूरे देश को यूटी बना दिया था। और मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं फिर से एक कहना चाहता हूं कि यूटी का जवाब, जहां तक सवाल है, लद्दाख यूटी वो तो लद्दाख वालों की डिमांड जो आपने आज तक पूरी नहीं की थी। जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, परिस्थिति वहां नॉर्मल होते ही उचित समय पर हम तुरंत उस पर पुनर्विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। एक मिनट, मैं बताता हूं। नेहरू जी ने कहा था कि टेम्पररी है और उचित समय आएगा तब हटाएंगे।
70 साल लगे हमें 70 साल नहीं लगेंगे, इतना मैं जरूर कहूंगा। माननीय सभापति महोदय, सदन के सीनियर सदस्य श्रीमान बालू जी ने एक सवाल उठाया कि संपत प्रकाश वर्सी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर के जजमेंट के तहत ये जो बिल लेकर संकल्प लेकर मैं आया हूं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संपत प्रकाश वर्सी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, उसमें दलील क्या थी? इसके अंदर दलील थी कि आर्टिकल 373 अस्तित्व में ही नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, आर्टिकल 373 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये जजमेंट मेरे पक्ष में है बालू साहब। जो आप आर्ग्यू कर रहे हो ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं तो कैसे किया, सुन मैं बताता हूं। उसमें वही जजमेंट के पैरा 5 और 6, आप कमेंट्री पढ़ रहे थे, मैं पैरा 5 और 6, मेरे पास जजमेंट भी है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, रिकॉर्ड पर रख दूंगा। पैरा 5 और 6 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि संविधान खंडपीठ ने कहा कि आर्टिकल 373 समाप्त नहीं हुआ है, आर्टिकल 373 पूर्णतया आज भी हमारे संविधान का हिस्सा है। और मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं, एक दलील ये आई कि आर्टिकल 371D उसका व्याप इतना नहीं है, एक लिमिटेड उपयोग है। AIR 1961 SC 1519 ये भी संविधान खंडपीठ है, उसने क्या, देर इज नो रीजन टू लिमिट द वर्ड मॉडिफिकेशन एज यूज इन आर्टिकल 371 ओनली टू सम मॉडिफिकेशन एज डू नॉट मेक एनी सच मॉडिफिकेशन लेजिस्लेटर कैन मेक एनी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आप कुछ भी कर सकते हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि भाई वहां अब उपराज्यपाल चलाएंगे, उसके सलाहकार चलाएंगे। मैं सिर्फ आपको रिकॉर्ड ठीक रहे इसलिए कहना चाहता हूं कि वहां हमने असेंबली का प्रोविजन किया है, जम्मू और कश्मीर यूटी विथ असेंबली है, वहां विधायक भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, जनप्रतिनिधि भी होंगे और उसका मंत्रिमंडल भी होगा जो जम्मू और कश्मीर का शासन है। इसलिए कोई एडवाइजर के आधार पर इतना बड़ा राज्य चलेगा ये आपकी दलील के साथ मैं सहमत नहीं हूं। मसूदी साहब ने रेफरेंडम का मुद्दा उठाया, मसूदी साहब रेफरेंडम तो तभी खत्म होगा जब पाकिस्तान ने 1965 के भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करा, रेफरेंडम यूएन के अंदर अब है ही नहीं और यूएन ने भी इस बात को स्वीकार किया है। और अभी कह रहे हैं कि 72 घंटे से कर्फ्यू है, मैं मसूदी साहब को पूछना चाहता हूं कि एनसी की सरकारें थी और कांग्रेस के समय में जब टेररिज्म ऊपर 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 जा रहा था कितने घंटों का कर्फ्यू होता था, और अभी कोई वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी नहीं है मसूदी साहब, ये प्रिकॉशनरी है, परिस्थिति जन्य नहीं है। वहां स्थिति बिगड़ी इसलिए कर्फ्यू नहीं डाला है, स्थिति न बिगड़े इसके लिए कर्फ्यू डाला गया। ये दोनों में बड़ा अंतर होता है मसूदी साहब, आप तो जज रहे हो हाईकोर्ट, मुझे लगता था आपका जजमेंट आप कोर्ट करोगे मगर नहीं करा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि ये जजमेंट खोखला है। मुझे लगता था कि आप कोर्ट करोगे, मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर आ जाया था, मगर अच्छा ही हुआ कि आपने कोर्ट नहीं किया। कुट्टी जी ने कहा कि आपका सांप्रदायिक एजेंडा है, साहब मैं इस बात को सिरे से खारिज करना चाहता हूं। 370 कैसे सांप्रदायिक एजेंडा हो सकता है? क्या जम्मू कश्मीर में हिंदू नहीं रहते हैं? क्या जैन नहीं रहते हैं? बौद्ध नहीं रहते हैं? सिख नहीं रहते हैं? कैसे सांप्रदायिक एजेंडा हो सकता है? किसको एड्रेस कर रहे हो आप कुट्टी साहब, किसको एड्रेस कर रहे हो आप, मुझे समझाइए तो जरा। जम्मू कश्मीर के लिए गया बनाया गया कानून कैसे सांप्रदायिक दिखेगा? क्या वहां पर सिर्फ मुसलमान रहते हैं? माइनॉरिटी को दबा रहे हो, माइनॉरिटी को, माइनॉरिटी वहां जैन भी है,
सिख भी है और माइनॉरिटी कमीशन वहां स्वीकार न करकर 370 ने माइनॉरिटी के साथ अन्याय किया है। आज वहां माइनॉरिटी कमीशन नहीं है और 370 के कारण नहीं है। कुट्टी साहब, आप भाषण यहां दे रहे थे, भाषण जम्मू कश्मीर के लिए दे रहे थे और एड्रेस कहीं और कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू को बांटना कंसेंट के अलावे ठीक नहीं। मैंने सुबह ही बहुत विस्तार से कि संविधान की किस धाराओं के तहत हमने किया है और ये अधिकार कहां से प्राप्त होता है सदन के सामने रखा है, इसलिए मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। शशि थरूर जी ने कहा कि सिक्योरिटी का चिंता हो रहा है। थरूर साहब, 1989 से लेकर आज तक 41,500 लोग मारे गए हैं, यही रास्ते पर मारे गए हैं। मैं आप सबको हृदय से पूछना चाहता हूं, अभी भी वही रास्ते पर चलना है? 41,900 लोग मारे गए, हम दूसरा रास्ता भी नहीं सोचेंगे, दूसरे रास्ते के शांति आए इसका प्रयास भी नहीं करेंगे, घाटी को लोगों की खुशहाली के लिए काम नहीं करेंगे? 70 साल इसी रास्ते पर चले जिसका आप आग्रह कर रहे हो, क्या परिणाम आया? मैं पूछना चाहता हूं, क्या परिणाम आया? 41,500 से ज्यादा लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है? ये रास्ता नहीं है, मैं व्यक्ति का नाम नहीं देता, ये रास्ता जिम्मेदार नहीं है। कभी तो अलग हटके सोचना पड़ेगा। कब तक हम वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे? कब तक जो आइडियोलॉजी को हम स्वीकारते हैं वो आइडियोलॉजी के आधार पर ही हर चीज को सोचेंगे? देश हित की सोच करनी पड़ेगी, घाटी के युवाओं की सोच करनी पड़ेगी। लद्दाख क्षेत्र के मेरे एक युवा साथी ने आज बहुत जोश के साथ हमारे सांसद ने भाषण दिया, मैं उसको बधाई देना चाहता हूं। सारे ऐतिहासिक तथ्य लद्दाख की जनता के इनके सामने रखा, सदन के सामने रखा, देश के सामने रखा। इनकी भावनाओं को हम नहीं सुनेंगे? कब तक अनसुना करेंगे? बहुत लंबे समय तक अनसुना नहीं कर पाएंगे। ओवैसी साहब ने कहा कि सदन ऐतिहासिक भूल करने जा रहा है। ओवैसी साहब, ऐतिहासिक भूल करने नहीं जा रहे, ऐतिहासिक भूल को सुधारने जा रहे। और इतिहास बताएगा कि भूल धारा 370 को डालना था या भूल धारा 370 को हटाना था। मुझे विश्वास है 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास होने वाला है वो देखकर घाटी की जनता भी कहेगी कि 370 का झुनझुना हमें जो पकड़ा दिया गया उसने हमारा बहुत पहित। उन्होंने भी नागा समझौते का रेफरेंस करा। उन्होंने कहा कि मैं मेरे आयरन फेस को बनाने के लिए सब एक्सरसाइज कर रहा हूं। मैं लोह पुरुष बनना नहीं चाहता, मेरा अस्तित्व एक छोटे से कार्यकर्ता का है और विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है, वो मुझे बहुत पसंद है। और मेरी पार्टी की परंपरा है ऐसे फैसले व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, पार्टी की वोट बैंक के लिए या पार्टी को चुनाव के अंदर फायदा हो इसलिए नहीं लेते हैं। ऐसे फैसले देश का भला किस में है वो देख कर लिया, ऐसे फैसले देश की सुरक्षा किस में है वो देख कर लिया जाता है, ऐसे फैसले घाटी की जनता की भलाई किस में है वो देख कर लिए जाते हैं। और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय कि ये सारे फैसले जो आज मैं लेकर सदन के सामने आया हूं वो घाटी की जनता की भलाई के लिए। आज पूरे दिन धारा 370 और 35 पर चर्चा चलती रही माननीय, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि धारा 370 से फायदा क्या होगा। अगर धारा 370 चालू रखनी है तो क्यों रखनी है तो बताते, तो घाटी को भी मालूम पड़ता कि भाई धारा 370 से हमें प्राप्त क्या होगा। मैंने धैर्यपूर्वक एक एक शब्द सुना है, सबके भाषण सुने, किसी की भी आर्गुमेंट में ये नहीं आया कि धारा 370 कैसे कश्मीर का कल्याण कर सकती है, कैसे घाटी के लोगों का कल्याण कर सकती है, कैसे लद्दाख और जम्मू का कल्याण कर सकती है, क्योंकि कर ही नहीं सकती तो आर्गुमेंट कैसे आएंगे। मगर मैं हटाने आया हूं
हटाने का प्रस्ताव लेकर आए, तो मैं बताता हूं धारा 370 जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए कैसे बाधक। माननीय धारा 370 जम्मू के लोकतंत्र के लिए बाधक, जम्मू की गरीबी को बढ़ाने वाली है, जम्मू और कश्मीर के पर्यटन को रोकने वाली है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के विकास को रोकने वाली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आरोग्य की सुविधाओं से दूर रखने वाली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को शिक्षा से दूर रखने वाली है। ये धारा 370 महिला विरोधी है, ये धारा 370 दलित विरोधी है, ये धारा 370 आदिवासी विरोधी है, और ये धारा 370 आतंकवाद का खाद और पानी दोनों है, जिससे कश्मीर की भूमि पर आतंकवाद का रुख होता है। माननीय धारा 370 से क्या होता है, इस देश के कानून जम्मू कश्मीर में जाते हुए धारा 370 रोकती है। अगर सब कानून जो देश की जनता ने पारित किए हैं वो देश की भलाई के लिए किए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार ने करे हो, बीजेपी की सरकार ने करे हो, या कोई अन्य सरकार ने करे हो, ये संसद जो कानून प्रसार करता है वो तो देश की रिक्वायरमेंट को समझकर, देश की जनता की भलाई को समझकर करता है। क्यों धारा 370 का उपयोग कर जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने, ये तीन परिवारों के लोगों ने साहब इतने सारे कानून स्वीकार नहीं किए, और कोई छोटी सूची नहीं है, 9 संविधान सुधार के साथ 106 कानूनों को जम्मू कश्मीर के अंदर आज हम लागू नहीं कर पाए हैं, वहां उसका अख्तियार नहीं है कानूनों का। मानव और कानून कैसे हैं, बाल विवाह का कानून, भला छोटी बच्ची के साथ कोई शादी नहीं कर सकता, ये कैसे जम्मू कश्मीर के विरोधी कानून है। मानव देश भर के अंदर शादी की उम्र तय हो गई, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, कितनी भी छोटी बच्ची हो इससे आप शादी कर सकते हो, किस जमाने के में जम्मू कश्मीर को हम डाल रहे हैं। जो धारा 370 को जो रखना चाहते हैं वो जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि बाल विवाह का आप समर्थन करें, बाल विवाह का समर्थन। मान्यवर मेरी बात लंबी है, भी मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मान्यवर अरे वो छोड़ो ना भाई, मैं बाल विवाह की बात कर रहा हूं। मान्यवर मुझे बोलने देना चाहिए, मैंने सबको धैर्य से सुना है। मान्यवर रविशंकर जी प्लीज। मान्यवर दूसरा कानून नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, क्यों नहीं पहुंचाना वहां, वहां सिख रहते हैं, जैन भाई रहते हैं, लद्दाख पूरा बौद्ध धर्म मतावलंबियों से भरा हुआ है, क्यों ये माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाना। मान्यवर दूसरा कारण, मान्यवर बाल विवाह नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, देखो जितना टोकोगे हर बार मैं लिस्ट पढ़ूंगा और देश की जनता सुनेगी, इसलिए मुझे बोलने दे तो फास्ट सुनने में निकल जाएगा। मगर अब हम सब ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद राइट टू एजुकेशन, 6 और 14 साल के बच्चों को पढ़ने का अधिकार इस देश की संसद ने दिया है, और देश भर को यह अधिकार है कि बच्चे का अधिकार है, राज्य से मांग करे, मैं जब तक 14 साल का होता हूं मेरे शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था करे।
मसूदी साहब बता रहे थे कि वहां स्कूलें हैं, अच्छा काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं मान्यवर, पढ़ाई लिखाई हो रही है और पढ़ाई लिखाई का मेरा अधिकार है। दो चीजों में मूलभूत अंतर है। देश के सभी बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को अधिकार है, जम्मू कश्मीर के बच्चों को नहीं। ये 370 मान्यवर नेशनल काउंसिल फॉर, अब बेटा ही मसूरी साहब नहीं बचाव कर पाओगे, कुछ नहीं है, खोखला है सब। मान्यवर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अब मैं पूछना चाहता हूं जो 370 बचाना चाहते हैं, टीचरों को ढंग से बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें क्या आपत्ति थी, क्यों नहीं स्वीकार करा? ये 370 रोक कर बैठी है मान्यवर। इसके बाद में लैंड एक्विजिशन लैंड, वो भी स्वीकार नहीं हुआ। मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट दिव्यांगों के लिए और बाकी सारी व्यवस्थाओं के लिए एक कानून बना, मगर वहां पर नहीं स्वीकार किया। बूढ़ों के लिए बनाया हमने, जो वरिष्ठ नागरिक है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट बनाया, उसको भी स्वीकार नहीं किया मान्यवर। और इसमें किसकी बुराई थी, कोई बता दे मुझे, ये धारा 370 ने क्या किया? कभी डेप्थ में गए हो? डेप्थ में गए हो मान्यवर? में जो कटार लिखते हैं उनको भी सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, कभी इसके परिणामों के बारे में विचार किया है कि हमने क्या गत कर दी है घाटी की, जम्मू कश्मीर के नागरिकों की, कितने सारे अधिकारों से उनको वंचित रखा है मान्यवर। सीनियर सिटीजन एक्ट मैंने कह दिया, डिलिमिटेशन, देश भर में डिलिमिटेशन हुआ, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन नहीं होगा। कितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आबादी बढ़ जाए, आप एक ही जनप्रतिनिधि मिलेगा, क्यों भला? देश भर में बढ़ती आबादी के अनुपात में जनप्रतिनिधि मिले, क्षेत्र का बंटवारा हुआ, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरी वोट बैंक हट हो रही है। अब ऐसा नहीं चलेगा मान्यवर, अब ऐसा नहीं चलेगा। एक कलम हटते ही वहां पर सब धाराएं लागू हो गई मान्यवर। इसके बाद में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया, कहीं पर भी भ्रष्टाचार होता है तो कोई व्यक्ति अगर उसकी सूचना तंत्र को देता है तो उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। यहां कांग्रेस पार्टी बड़े जोर जोर से इसकी प्रशंसा करती थी, मगर वहां नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां 3 परिवारों का शासन है, भ्रष्टाचार पनपता रहे, हमें कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और मान्यवर मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से देश की जनता को कि चिंता 370 की नहीं है। वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो मोदी जी के शासन के अंदर, राष्ट्रपति शासन के अंदर शुरू हुआ और कुछ फाइलें खुली हैं, इसकी चिंता है। इसके कारण 370 के लिए हो हल्ला हो रहा है। जम्मू कश्मीर बैंक में जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर आया, चेहरे पर पसीने आने लगे, ठंड में पसीने आने लगे, क्यों बोला? हमें कोई चिंता नहीं है, हम पक्ष में रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं, ऐसी भी देश में हर जगह पे है मान्यवर। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी देश में सब जगह है, वहां के वाल्मीकि भाइयों के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए ये कमीशन हम नहीं बनाए, नहीं स्वीकार किया, क्यों? कारण क्या? कारण एक ही है कि जो चलता है वो चलने दो, हम धारा 370 का प्रोटेक्शन हमें है, मगर आज ये प्रोटेक्शन चल जाने वाला है, सभी सफाई कर्मचारियों को देश के समान न्याय वहां मिलेगा। मान्यवर ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन, दलितों के लिए रिजर्वेशन, मैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं, वहां नहीं मिलता। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी जो 370 को बचाना चाहती है, दलित और ट्राइबल रिजर्वेशन का आप विरोध कर रहे हो क्या? देश भर के अंदर दलित और ट्राइबल भाइयों को रिजर्वेशन मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जो 370 की एडवोकेसी करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप किसके पक्ष में खड़े हो मान्यवर। इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति प्रिवेंशन एक्ट की तरह ही द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्टर्स एक्ट जो बना है, जो
वन के अंदर काम करते हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने एक्ट बनाया है सर, उनके आरोग्य के लिए, उनको उचित उनके श्रम का पारितोषक मिले इसके लिए, मगर वो एक्ट भी वहां नहीं। मेरे गुर्जर भाई पहाड़ियों पर घूमते रहते हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। धारा 370 बचाने वाले वो भी कर रहे हैं, वो जरा याद रखिए, जनता को हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। यहां तो मैंडेट के आधार पर बोलते हो, जब जनता में जाओगे तब ये जनता सब हिसाब मांगने वाली है मान्यवर। और बहुत सारे सेंट्रल एक्ट से मान्यवर जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर के विकास को रोका गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई को रोका है, और सबसे बड़ी बात 370 का उपयोग कर जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र का गला घोटा गया है। 70 साल तक ये तीन परिवारों ने अपनी पकड़ बनाई जम्मू कश्मीर पर। 73 और 74वां संशोधन जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं आए? कौन लेकर आए थे? स्वर्गीय राजीव गांधी लेकर आए थे, मगर फिर भी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वोट बैंक वहां हट हो रही है। साहब, आज मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति को, राष्ट्रपति शासन आते ही हमने वहां पर पंचायत चुना, और कुछ विधायक, कुछ सांसद, और वो भी क्या विधायक सांसद भी क्या, ये तीन परिवारों के साथ पावर था। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 40,000 पंच सरपंच अपने गांव का विकास का खाका खुद खींच रहे हैं, उनके पास अधिकार है, और 3500 करोड़ रुपया पंच सरपंचों को डायरेक्ट भेजने का काम, आरटीजीएस से भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मान्यवर, ढेर सारी चीजें हैं, मैं बताता हूं लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार से इनको रोका है। मान्यवर, गरीबी की बात करते हैं, मान्यवर ये जो अपने आप को 370 से प्रोटेक्ट कर दिया, जनता को 370 से गुमराह करते रहे, तीन परिवार ही चुनकर आते रहे, तब सुनना है तो मैं बता देता हूं, बाद में आप मुझे रोकना मत। छोड़िए, मैं औचित्य भंग करना नहीं चाहता, और वो बताऊंगा तो आपको तिल मिलाहट हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, भाई पूरा देश जानता है कौन तीन परिवार है, आप नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, पूरे देश की भाई सब जानते हैं या नहीं जानते हो? सब जानते हैं कौन तीन परिवार है। मान्यवर, 370 और 35 से जम्मू कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, पूरा पैसा जो जनता के कल्याण के लिए गया वहां पर इतना विकास नहीं हुआ जितना विकास होना चाहता था। अभी सब लोग कहेंगे 370 की एडवोकेसी करने वाले के डेवलपमेंट हुआ है, मैं आंकड़े देना चाहता हूं मान्यवर, 2004 से 2019 तक 2,77,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है, मगर जम्मू के गांव में जाकर देखिए स्थिति क्या है, गांव में जाकर देखिए कितनी गुर्बत है, कितनी गरीबी है, कहां गया है पैसा? ये 370 का उपयोग कर एक शेल्टर बनाकर अथाह भ्रष्टाचार करने का काम वहां के सियासतदानों ने किया। मान्यवर, 2011-12 में भारत में प्रति व्यक्ति भारत सरकार ने 3,683 रुपया एवरेज भेजा, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आ जाता है, मगर एवरेज निकाले तो 3,683 प्रति व्यक्ति, 3,683 करोड़ नहीं, 3,683। जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति 14,255 करोड़ रुपया भेजा, मगर वहां विकास नहीं हुआ। मान्यवर, 2017-18 में 8,227 करोड़ रुपया भेजा, और अब जम्मू कश्मीर में 2017-18 में 27,358 करोड़ रुपया भेजा है। अब जाकर जब राष्ट्रपति शासन आया है तो उनके नसीब में गैस भी आया है, बिजली भी आई है, शौचालय भी आया है, गांव के रोड भी बन रहे हैं, और सरपंच और पंच बैठकर गांव के विकास का खाता। इसके लिए उनको 370 नहीं हटानी है मान्यवर, मगर मैं इसके साथ सहमत नहीं सोचता। बेटियों की बात करते थे, महिलाओं की बात करते थे, जम्मू कश्मीर की बेटी अगर कोई भारतीय से
शादी करती है मान्यवर, तो उसके बच्चों को अधिकार नहीं है जम्मू कश्मीर के नागरिक बनने का, वहां संपत्ति लेने का। क्यों, क्या गुनाह है उसका? एक ही देश के अंदर 370 का उपयोग कर बेटियों को कहां शादी करनी है इसके लिए बाध्य करोगे? कैसे कर सकते हैं आप? देश आगे बढ़ चुका है, अब ऐसा नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर की बेटी कहीं पर भी शादी करे, उसके बेटे बेटियों को अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार से मिल जाए। मान्यवर, आतंकवाद, आतंकवाद को एक अलग फिलसॉफी से देखने वाले लोगों ने आतंकवाद को बढ़ोतरी करी। बहन सुप्रिया बहन मेरी बात से सहमत नहीं होगी, उन्होंने एक अलग थियरी रजू करी कि आतंकवाद का मूल गरीबी में है। सुप्रिया जी, गरीब देश का वफादार होता है, गरीब कभी भी हाथ में नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मान्यवर आपके माध्यम से बताना चाहता कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों बढ़ा। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का अपप्रचार कर वहां पर अलगाववाद और बाकी सारी चीजों को, स्वायत्तता की मांग का जहर हर रोज घोला गया जनमानस के लिए। लोगों को ऐसा लगा कि हमें इससे बहुत मिल जाएगा। क्या मिला, कोई हिसाब दे दे जम्मू कश्मीर की जनता को कि क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला गरीबी के अलावे। किसका भला हुआ? ये तीन परिवारों का भला हुआ और किसी का भला नहीं हुआ मान्यवर, ये तीन परिवारों का ही भला हुआ। मान्यवर, क्या मिला जम्मू कश्मीर की जनता को? मगर परिणाम क्या हुआ? 1988 के अंदर जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपेक की शुरुआत की। जरा सुनिए भाई, जनता को जवाब देने में काम में आएगा। 1988 में जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपेक की शुरुआत की। मान्यवर, तीन युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान ने सीधा युद्ध करना बंद कर परोक्ष रूप से युद्ध लड़ने की शुरुआत की। वो दस्तावेज के अंदर धारा 370 और 35 का जिक्र है। और जिक्र क्या है कि धारा 370 और 35 ऐसी है जिसके कारण अलगाववाद खड़ा करे तो जम्मू कश्मीर का युवा देश को, हमारे देश को, जम्मू कश्मीर को अस्थिर कर सकता है। और मान्यवर, इसका उदाहरण है कि पाकिस्तान पाक प्रेरित आतंकवादी संगठन तो चाहते हैं देश भर के अंदर आतंकवाद पनपे, बढ़े, फले, फूले। क्यों नहीं बाकी राज्यों में पला बढ़ा? वहां क्यों पड़ा? क्योंकि वहां अलगाववाद का मूल 370 के अंदर जनता के बीच में आरोपित करने का काम पाकिस्तान ने किया, इसको खाद और पानी देने का काम किया और 88 से आतंकवाद का एक बहुत बड़ा वहां पर तांडव शुरू हुआ और 89 से लेकर आज तक 41,000 लोग मारे गए हैं। मान्यवर, आज भी लड़ाई का अंत नहीं है। हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं मान्यवर कि 370 से जम्मू कश्मीर का और विशेषकर घाटी के युवाओं का भला नहीं हुआ है। आतंकवाद के रास्ते पर जो युवा गए सबको, मैं तो जिनके मन में अलगाववाद की भी भावना है या 370 के लिए भी जो लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ छिन गया, मैं सबको विनम्र भाव से कहना चाहता हूं ये सदन का उपयोग कर कि आप हिसाब किताब तो करिए कि आपको 370 से क्या मिला। रोटी मिली, शिक्षा मिली, सुख सुविधा रोजगारी मिली, आरोग्य मिला, क्या मिला 370 से? क्यों झुनझुना पकड़े हुए हो? 370 ने हमेशा जम्मू कश्मीर को भारत के खिलाफ पाकिस्तान को उकसाने का मौका दिया और इसी के कारण आतंकवाद इतना बढ़ा मान्यवर और 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। कौन जिम्मेदार है वो? आज उसके मूल में हम घात करने चले। हमें चेता रहे थे इतिहास, इसका क्या इतिहास कैसे लिखा जाएगा इसकी चिंता करिए। मुझे मालूम नहीं है इतिहास कैसे लिखा जाएगा, मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूं, कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मगर इतना मालूम है कि 370 का इतिहास लिखा गया है कि 370 के कारण जम्मू और कश्मीर के अंदर इतना आतंकवाद फैला है, 35A के कारण इतना आतंकवाद फैला है और 41,000 लोग मारे गए हैं। और मैं मानता हूं कि ये जो 370 है वो जाने से धीरे धीरे हम घाटी के सभी लोगों को अपने नजदीक ला पाएंगे, उनके मन के अंदर एक नई आशा, नया उमंग, वहां पर जो विकास होगा। मान्यवर, गरीबी कैसे बढ़ी? देश भर में आजादी के अंदर
भूमि की कीमत जो थी उसमें कई गुना सैकड़ों गुना बढ़ोतरी हुई, मगर जम्मू कश्मीर में नहीं हुई, क्योंकि खरीदारों को आपने लिमिटेड कर दिया। खरीदने वाला भी गरीब, बेचने वाला भी गरीब, कैसे करेंगे? देश भर के अंदर जमीनों की कीमत की वृद्धि हुई, भूमि की कीमत की वृद्धि जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुई। जब ये 370 हटेगी, वहां पर इंडस्ट्री जाएगी, वहां पर शिक्षा संस्थाएं जाएगी, वहां आरोग्य की संस्थाएं जाएगी, इंडस्ट्री जाएगी, रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो गरीबी हटेगी, उनकी भूमि की वैल्यू बढ़ेगी। और ये कह रहे हैं कि क्या होगा जम्मू कश्मीर का, सुप्रिया बहन चिंता कर रही थी वहां के पर्यावरण की, वहां की खूबसूरती की। पर्यावरण खूबसूरती के लिए देश भर में कानून बने हैं सुप्रिया बहन, और 370 हटते ही वो सारे कानून वहां इंप्लीमेंट हो गए, और वही कानून के तहत मान्यवर वहां का पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और खूबसूरती भी अच्छी रहेगी। मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग था, है और रहने, इसको जरा भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मान्यवर 370 पर कई बार चर्चा हुई, ये सदन में भी हुई, कई सदस्यों ने उसका, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, मंत्री जी ने इंटरवीन करते वक्त इसका उल्लेख भी करा। 370 पर जब चर्चा हुई तब मधुलिमय, राम मनोहर लोहिया, इंदर मल्होत्रा, श्री समनानी, अब्दुल गनी जो कांग्रेस के संसद सदस्य थे, गोपाल दत्त मेंघी, श्यामलाल सराफ, अटल जी तो थे ही थे, ये अटल जी का दावा दे रहे थे कि भाई अटल जी की कश्मीर पर, अटल जी पूरा जीवन 370 के खिलाफ लड़े हैं और अपने जीवन में 4.5 महीना 370 के खिलाफ के खिलाफत करते हुए, सत्याग्रह करते हुए जेल में रहे, वो जेल में रहे। और अटल जी की जब सरकार बनी तब भी कहा था मेरे पास फ्रैक्चर मैंडेट है, मैं धारा 370 को नहीं हटाऊंगा। और देखिए विधाता की विधि का कमाल, देखिए अटल जी की ही पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला और आज 370। मान्यवर सेक्युलरिज्म की जो बात करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या मधुलिमय सेक्युलर नहीं थे? मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, क्या लोहिया जी सेक्युलर नहीं थे? क्या कहेंगे आप लोहिया जी के लिए? लोहिया जी ने 2.5 घंटा लंबा भाषण इसी सदन में यहां बैठकर खड़े होकर कहा है कि 370 भारत और कश्मीर को अलग करने वाली अनुच्छेद है, उसको तत्काल निकाल देना चाहिए, क्षण की भी देरी। नेताजी भी बैठे हैं, माननीय अब्दुल गनी जी सेक्युलर नहीं थे? इसका धर्म निरपेक्षता के साथ कोई लेन देन नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर सभी धर्मों के बासिंदे बसते हैं और ये सभी को ये लागू पड़ने वाला है, किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, माननीय पार्टीशन हुआ, पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान से ढेर सारे शरणार्थी यहां हैं, कच्छ में भी आए, हमारे यहां गुजरात में भी आए, पंजाब में भी आए, दिल्ली में भी ढेर सारे शरणार्थी बसे जो पाकिस्तान से आए। मैं दो शरणार्थियों का नाम बोलना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंदर कुमार गुजराल, दो जम्मू कश्मीर नहीं गए, पंजाब गए, तो आज वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए। जो जम्मू कश्मीर गए हैं उनको वोटिंग राइट भी नहीं है। अडवाणी जी पहले आ गए थे, अडवाणी जी भी पहले आ गए थे, मगर वो भी आए होते और जम्मू कश्मीर न गए होते तो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता ही मिलता। आज ये दो हमारे देश के बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो जम्मू कश्मीर नहीं गए थे मान्यवर, वो पंजाब गए थे, और जम्मू कश्मीर में जो गए वो काउंसिलर भी नहीं बन पाए क्योंकि उनको वोट का अधिकार नहीं। ह्यूमन राइट की बात करने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, इतने साल से 20 लाख से ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला है, उनका ह्यूमन राइट नहीं है क्या? ह्यूमन राइट की बात करने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, सारा सूफी संप्रदाय उखाड़ कर जम्मू कश्मीर से फेंक दिया, ये सूफी संप्रदाय का कोई ह्यूमन राइट नहीं था? लाखों लाखों कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर निकल गए, उनका ह्यूमन राइट नहीं था क्या? 370 कौन सा ह्यूमन राइट की खेर खवा है? माननीय अध्यक्ष जी,
मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो 370 का समर्थन करते हैं वो दलित विरोधी है, ट्राइबल विरोधी है, महिला विरोधी है, विकास विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, और जो 370 का समर्थन करते हैं वो आतंकवाद, गरीबी, शोषण और अशिक्षा का समर्थन करते हैं। मैं और मेरे नेता नरेंद्र मोदी की सरकार इसका समर्थन नहीं कर सकती। मैं सदन को कहना चाहता हूं कि आइए फिर से एक बार सोचें, फिर से एक बार सोचें। बहुत जल्दी है वो रास्ते पर, वो रास्ता हमारे लिए मुबारक नहीं है। वो रास्ते पर 40,000 लोग जान गवा बैठे, 41,000 लोग जान गवा बैठे। वो रास्ता छोड़े, मोदी जी और ये सरकार जो नया रास्ता लेकर आई है इसके रास्ते पर आगे बढ़े और घाटी, लद्दाख और जम्मू तीनों की जनता को आजादी के बाद जैसे सब प्रदेश के अंदर विकास हुआ है, सब प्रदेश के अंदर संपत्ति बढ़ी है, उनको भी वो अधिकार दे और साथ अर्थ में भारत के साथ जुड़ने का मौका दे।